डेंटो हलाल इंडिया का वाहिद SLS फ्री टूथपेस्ट, लौंग, नीम, इलायची, कलौंजी और कुदरती मिसवाक के अज्जा के साथ दांतों की तमाम बीमारियों के लिए फायदेमंद, हराम अशिया से पाक। डेंटो हलाल। यही नहीं, और भी है बहुत कुछ। कलौंजी का सोप, सैफ्रॉन सोप और नबी रहमत का पसंदीदा खाना तलवीना। याद रखिए, हमारे प्रोडक्ट्स हैदराबाद के तमाम हलाल स्टोर्स पर दस्तियाब हैं। आगरा, जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने सबसे अनमोल ताजमहल की वजह से, वो ताजमहल जो शाहजहां के प्यार की निशानी है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आगरा को जानने के लिए ताजमहल के अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण जगह और कारोबार हैं, और इनमें से एक है यहाँ के जूतों का कारोबार। आगरा में जूते बनाने की कई सारी फैक्ट्रीज हैं और इन फैक्ट्रीज से जुड़े कई हजारों बिजनेसमैन हैं। इन्हीं बिजनेसमैन में से एक करोड़पति बिजनेसमैन थे हाजी मोइनुद्दीन उर्फ मोइन, जिनकी हत्या पर यह एपिसोड आधारित है। हाजी मोइनुद्दीन की हत्या आज से एक साल पहले 17 मई को हुई थी, जिसका 31 मई 2016 को पुलिस ने खुलासा किया था। ताजगंज से 17 मई से लापता बताए जा रहे जूता कारोबारी हाजी मोइन उम्र 50 की उसी रात हत्या कर दी गई थी। उनका शव सूटकेस में बंद कर 28 की सुबह 4 बजे एतमादपुर के तालाब में फेंक दिया गया था। उनका शव पुलिस को बरामद होने के बाद उनकी फोटो को अखबार में छापा गया था और उनका फोटो देखकर एतमादपुर के लोगों ने उनके परिवारजनों को सूचना दी थी। इसके बाद शव का फोटो और बरामद कपड़े देखे गए तो शिनाख्त हो गई। पुलिस ने 21 मई को पोस्टमार्टम के बाद उनका शव पचकुइया कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया था। ताजगंज के फेज वन MIG 10 निवासी हाजी मोइनित का कारखाना मंटोला के धोली खार में वुडमैन नाम से है। इसमें जूते, चप्पल, सैंडल बनाए जाते हैं। वे कमेला मस्जिद के मुतवल्ली भी थे। उनकी पत्नी चांदनी बेगम ने 24 मई को थाना ताजगंज में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि वो 17 मई की रात 10:30 बजे बेंगलुरु रवाना हुए थे। उन्हें 23 को लौटना था, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 23 तारीख को ताजगंज थाने पे आके गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। या उनके पिता या उनके पति, परिवार वालों ने आके कहा था और उनके भाई ने कहा था कि उनका भाई जो कि जूता व्यवसायी करते हैं, वो 17 तारीख की रात में बेंगलोर के लिए निकले थे और तब से लापता है। इस सूचना को हमारी जो पुलिस की टीम्स थी, उन्होंने प्रयास करना शुरू किया, उनकी कॉल डिटेल्स निकाली, बाकी साक्ष्य एकत्र करने शुरू। बेंगलोर में जिन उद्यमियों से उन्हें मिलना था, उन्होंने फोन पर बताया कि वो वहां नहीं पहुंचे हैं। रविवार को अखबारों में उनकी गुमशुदगी की खबर के साथ उनका फोटो प्रकाशित किया गया था, जिसे देखकर एतमादपुर के लोगों को 28 मई की सुबह मोहल्ला सत्ता के तालाब में मिला शव याद आ गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ये जानकारी पुलिस से उनके परिवारजनों तक पहुंची। इसके बाद परिवारजन थाना एतमादपुर पहुंचे तो वहां शव का फोटो देखकर शिनाख्त की। कपड़े भी उन्हीं के थे। उनका शव लाल रंग के सूटकेस में मिला था। उन्होंने लुंगी और बनियान पहन रखे थे। तालाब के पास काम कर रही महिलाओं ने कातिलों को शव फेंकते हुए भी देखा था। हाजी मोइन के हत्यारे कार में थे और महिलाओं के शोर मचाने पर वो भाग गए थे। उनके सामने ही शव को डिक्की से तालाब में फेंका गया था। पोस्टमार्टम के दौरान उनकी गर्दन, नाक, कान समेत कई जगह पर धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले थे। शव को सूटकेस में रस्सी से बांधा गया था और पुलिस का कहना है कि सूटकेस और रस्सी बिल्कुल नए थे। एतमादपुर पहुंचे उनके चचेरे भाई सलमान ने फोटो से उनकी शिनाख्त की
लुंगी बनियान भी उन्हीं के बताए गए। इसके बाद कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले लिया गया उनका फोटो भी कंफर्म किया गया। 18 तारीख को माधपुर में एक सूटकेस में बंद एक डेड बॉडी मिली थी। इनके परिवारिक जनों को उनकी फोटोग्राफ दिखाई गई। फोटोग्राफ देख के इनको लगा कि शायद संभावना यही है कि ये उन्हीं के परिवारिक जन जिनको वो ढूंढ रहे हैं। जांच के दौरान उनकी पत्नी और लड़के मुवीन ने बताया था कि उनको 17 मई को किसी का फोन आया था। रात 10:30 बजे ताजगंज स्थित घर से निकले थे और निकलते समय ये बोलकर निकले थे कि हो सकता है उनको बैंगलोर जाना पड़े और वो इसी रात बैंगलोर भी निकल जाएंगे। मगर 28 मई की सुबह 4 बजे अदमापुर में शव मिला और तब तक शव की शिनाख्त नहीं हुई थी। 21 मई को पुलिस ने शव को लावारिस में सुपुर्दे खाक कर दिया। 24 मई को ताजगंज में उनकी पत्नी चांदनी बेगम ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 26 मई को बेंगलोर के बिजनेसमैन लोगों ने बताया कि वो वहां नहीं पहुंचे हैं और 29 मई को अखबार में उनका फोटो देखे जाने के बाद उनकी शिनाख्त हुई थी। हाजी मोइन के शरीर पर करीब 35 बार चाकुओं से वार किया गया था। इसके अलावा उनकी नाक को काटकर इस हत्या को और ज्यादा विभत्स बना दिया गया था। हत्या के बाद पुलिस का पहला शक उनके घरवालों पर ही गया था क्योंकि उनका कभी भी किसी से झगड़ा फसाद सुनने में नहीं आया था। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला था कि हाजी के घर में अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आती थी जिनमें वो अपने बेटे और पत्नी से लड़ते हुए मालूम देते थे। हाजी साहब एक बिजनेसमैन थे और पुलिस को शक यह भी था कि हो सकता है कि उनके बिजनेस को हथियाने के लिए उन्हीं के घर के किसी सदस्य ने उनकी हत्या करवा दी। नाक का कटा होना यह दर्शाता था कि हत्यारे ने उनकी हत्या खुद के फायदे के लिए नहीं की बल्कि उनको सबक सिखाने के लिए की है। पुलिस ने जब सारे सबूत खंगालने शुरू किए तो पता चला कि 7 साल पहले उनका उनके बेटे मोबीन से बहुत झगड़ा हुआ था। जब उनको ये पता चला था कि मोबीन एक हिंदू लड़की को चाहता है और उसी से शादी भी करेगा। इस मामले को और खंगालने पर पता चला था कि मोबीन अब भी उसी लड़की के साथ लिप्त है और 7 साल बाद भी हाजी मोइन नहीं चाहते थे कि मोबीन उस लड़की के साथ कोई संबंध रखे और इनको लेकर वो कभी कभी मोबीन को मारते भी थे और अपनी बेगम चांदनी को जलील करते थे। 17 मई को मोबीन की कॉल रिकॉर्ड छानने पर पुलिस को पता चला कि उस रात मोबीन की फोन लोकेशन वहीं आसपास थी जहां हाजी मोइन की लाश पाई गई थी। ये पुलिस के लिए एक अहम सुराग था और इसी सुराग के आधार पर उन्होंने मोबीन से पूछताछ करनी शुरू करी। उन्होंने जब मोबीन को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो शुरू में तो ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि इस हत्या से उसका कोई लेना देना है, मगर पुलिस के ये धमकाने पर कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाकर उसको भी इंटेरोगेट करेंगे वो टूट गए और एक साथ सब कुछ बताता चला गया। उसका कहना था कि अब्बू मुझे और अम्मी को गालियां देते थे, जरा जरा सी बात पर पीटते थे, आखिर कब तक बर्दाश्त करता। कुछ दिनों से मेरा नाम नहीं लेते थे, मुझे काफिर कहकर बुलाते थे, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता था। एसएसपी कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने मुबीन ने इन्हीं अल्फाजों में जुर्म को कबूल किया। उसने बताया जैसे वो ईद पर बकरे की कुर्बानी देता था वैसे ही उसने अब्बू के गले पर धीरे धीरे चाकू चलाया। खून का फव्वारा छूटने के बाद वो तड़पने लगे। इसके बाद वो ताबड़तोड़ वार करता चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाजी मोइन के शव पर 35 घाव पाए गए थे। मुबीन ने बताया कि हब्बू पहलवानी करते थे इसलिए ज्यादा वार किए। उसने ये भी कहा कि कत्ल में उसकी अम्मी शामिल नहीं थी। उसके बयान के अनुसार हाजी मोइन की लाश को सूटकेस में रखते वक्त उनकी नाक कट गई थी जिसको इन दोनों ने उसी सूटकेस में छोड़ दिया था। उसने ये भी बताया कि अभिनव को उसका कत्ल में साथ देने के लिए उसने उसको 50,000 रुपए दिए थे। अभिनव कुलशेष रानी भवन बालूगंज का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि हत्या 17 मई की रात 12 बजे की गई थी।
अभिनव और मुबीन ने लाश को सूटकेस में बंद करके अपनी बलेनो कार से ले जाकर 18 की सुबह 4 बजे अदमादपुर के तालाब में फेंक दिया था। अदमादपुर इसलिए लेकर गए थे क्योंकि अभिनव इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता था और यहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते थे। उधर घर पर चांदनी बेगम ने कमरे से खून की सफाई की। खून से सने उनके कपड़े, चाकू, चादर, जूते चावल के बोरे में छुपा दिए। बाद में मुबीन और अभिनव ने बोरे को विभव नगर के नाले में फेंक दिया। हाजी मोइन की हत्या करने के बाद इन तीनों का अगला मास्टर प्लान था कि उनकी हत्या को गुमशुदगी केस में बदल देना, और इसलिए मुबीन ने अपनी अम्मी को समझाया कि वो पुलिस को ये बताए कि अब्बू बेंगलोर जाने का बोल रहे थे और फिर वहां से वापस नहीं लौटे। 18 को ही तीनों दरगाह देवा शरीफ जाने की बात कहकर लखनऊ घूमने चले गए। 21 को आकर हाजी मुइन की गुमशुदगी का नाटक किया और 24 को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी।